आज सर हमने दिन भर के शो भी हाल फिलहाल कैंसिल किए हैं और जो जो सीन के लिए आपत्ति जताई गई थी वो ऑलरेडी सेंसर बोर्ड ने हटा दिए हैं, बट स्टिल विरोध था तो हम लोगों ने उस हिसाब से विरोध को देखते हुए आज दिन भर के सारे शो कैंसिल किए। देखिए, इसके पहले भी कई पिक्चर ऐसी बन चुकी है जिसमें विवादित सीन थे और उसके बाद उन्होंने वो सीन हटा दिए। ये गलती बार बार कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कर रहे हैं। इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है देश भर में और इसी तारतम्य में सपना संगीता रोड स्थित सपना संगीता टॉकीज पर भी जो है हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसे देखते हुए जो संचालक हैं इस सिनेमा घर के, उन्होंने पहला शो जो है रद्द कर दिया है। आज पूरे भारत में पठान फिल्म रिलीज हुई है। देशद्रोहियों के लिए बहुत खुशखबरी है कि आज पठान फिल्म रिलीज हुई है, किंतु देशभक्त के लिए आज एक काला दिन है कि ऐसे लोगों की फिल्म रिलीज हुई है जो कि भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। वो बोलते हैं मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे देशद्रोहियों की फिल्म रिलीज होगी, कोई हिंदू देखेगा जो मां भारती के बारे में गंदे शब्द बोलता है उसकी फिल्म देखेगा? नहीं देखेगा। दीपिका पादुकन, आज उसकी वजह से हमारे कर्नाटक का सर नीचे हो गया है। इतने गंदे कपड़े पहनती, चलो पहनो, तुम्हारा वो प्रोफेशनल है, किंतु टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हैं? डॉट डॉट डॉट, ऐसे लोगों की फिल्म रिलीज होगी और हम लोग देखेंगे, वो भी हिंदुस्तान में।